खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां श्रेया तिवारी के आत्महत्या का विवाद गहराता जा रहा है। कल जब 8 अगस्त को स्कूल एसोसिएशन ने प्रिंसिपल और क्लास टीचर की गिरफ्तारी के विरोध में काली पट्टी बांधकर पूरे प्रदेश में स्कूलों को बंद किया, उसके बाद अभिभावक संघ और जागरूक लोगों ने शहर में उतरकर स्कूलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सभी से अपील किया कि 9 अगस्त के दिन अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। जिसका असर आज सुबह ये हुआ कि एक स्कूल के सामने कुछ युवाओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया और जस्टिस फॉर श्रेया का नारा लगाया और कहा कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं स्कूल पहुंचे बच्चों ने कहा कि हमारी श्रेया दीदी के लिए हमें न्याय चाहिए। बच्चों ने कहा कि स्कूल ने जानबूझकर इसी दिन हमारा टेस्ट रखा है, नहीं तो हम स्कूल नहीं आते। बच्चों ने भी कहा कि हमारे अभिभावक भी चाहते थे कि हम आज स्कूल ना जाएं। बच्चों ने कहा कि जब टीचर अपनी मनमानी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि श्रेया को प्रताड़ित किया गया, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया। ये बिल्कुल गलत हो रहा है और इस तरीके से स्कूल का प्रशासन बिल्कुल बिल्कुल ही बेइंसाफ कर रहा है। और 3 घंटे बाद जानकारी परिवार वालों को दी गई है, स्कूल वालों के खिलाफ। आज आप लोग जब अभिभावक हम लोगों का टेस्ट रखा गया था, टेस्ट की वजह से हमें आना था। आज स्टार्ट हुआ तो हमारा भी टीचर ही तो बंद किए थे, तब नहीं सब ख्याल आया और अब ख्याल आ रहा है। तो आज आप लोग स्कूल आए हैं तो फिर बंद कैसे माना जाए? नहीं तो ये लोग जानबूझ के रखे हैं ना इसी दिन टेस्ट, कि हम लोग स्कूल आए, नहीं रखना चाहिए था। 8 को बंद किए तो 9 भी बंद कर, हम लोग करेंगे। अच्छा, आप बच्चे चाह रहे थे कि आज बंद हो? हाँ, हम लोग चाह रहे, बल्कि हम लोग के पेरेंट्स के साथ ही बोला जाए। टीचर अपनी मनमानी कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग करेंगे, हाँ मिलना ही चाहिए और हम लोगों को न्याय मिलना ही चाहिए। हमारी श्रेया दी के लिए हमें न्याय चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि जब स्कूल का साथ हो सभी पूरे स्कूल वाले दे सकते हैं तो सभी बच्चे क्यों नहीं दे सकते हैं? शिक्षक मनमानी करेंगे, उन्हें डांटे तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना भी प्रताड़ना करेंगे, कोई जान ले लिया अपना। क्या लगता है श्रेया तिवारी के साथ कोई साजिश की गई थी? की गई होगी, जो स्कूल के लोग टॉर्चर करें तो क्या होगा? उनके बैग में मोबाइल और कुछ आपत्तिजनक। हाँ, तो उसके पापा एक्सेप्ट किए थे ना कि फोन दे, क्योंकि उसको उस घर जाने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे जो बस से नहीं जाते, ऑटो से जाते हैं, वो क्या करेंगे? अगर ये ऑटो नहीं मिलेगा तो सुरक्षा के लिए किसको बुलाएंगे? अपने मम्मी पापा को बुलाएंगे ना। स्कूल में ऐसा क्या होना चाहिए कि बच्चे सुरक्षित रहे? पहली बात की तो टीचर्स लोगों से ही सुरक्षित नहीं है, बच्चों को जो बड़ी बात कह रही है। हाँ तो बड़ी बात है ही, सभी टीचर को मैं नहीं कह रही, बस कुछ टीचर्स के बारे में मैं बोल रही हूँ। क्या लगता है क्यों सही नहीं है? उन लोगों को बस ये है कि अगर किसी कोई एक बच्चा गलती किया तो उसको ही हमेशा टारगेट बनाते हैं, जो ये काम नहीं करना चाहिए उन्हें। बच्चा अगर गलती किया है तो उसे बुलाए, उसे समझाए, ये नहीं कि पूरे क्लास में जाके उसको बेइज्जत करें। समझा सकते हैं तो उसकी बेइज्जती नहीं करता, ये उसकी हक नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ उनके दोस्त बोले कि जब बड़े बड़े बच्चे जब फेल हो जाते तो वो आत्महत्या करी, तो वो तो बच्ची थी तो उसका तो दिमाग काम नहीं करेगा, वो कूदेगी ही। प्रताड़ित किए कि नहीं किए? सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।